वहाँ नुकसान होता था, बहुत बुरा हाल था। पानी पानी और एक महीना हो गया इसी हल्की आग नाम जी रहे, तीन महीने से ज्यादा हो गया इसी हाल के अंदर, 24 घंटे के अंदर 14 मिनट तक नहीं सूखती है। और हम सीवर वालों को बुला के लाते हैं, वो लोग आते हैं अपनी डंडी हिलाते हैं। मेरे घर में पूरा किचन बाथरूम पूरा कमरा भरा हुआ है, मैं कहाँ सोऊं, मैं बाहर जाके सोऊं। इतने कुछ कहने, लड़का गाड़ी लेके आया गिर गया, उसको इतनी दिक्कत हो गई, सारा सामान पलट गया क्योंकि इसको बनवा नहीं रहे हैं। बीमार नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी बीमार हूँ पिछले 7-8 दिन से। और हम कई बार प्रयास करते हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं ये दो खोल दिया, तीन बंद रखते हैं, तीन खोलते हैं, दो बंद करते हैं, पूरी व्यवस्था। सीवर लाइन के साथ साथ हमारी पानी की लाइन गई हुई है, और पानी की लाइन के साथ साथ हमारे घरों के अंदर काला स्याह पानी आता है उसकी। यहाँ 1.5 फुट का सीवर नहीं चलता, यहाँ 2 फुट का सीवर चलता है। वो कहते हैं बड़े अफसरों ने पैसे खा लिए, पैसे खा के ये छोटे सीवर सैंक्शन किए। हमारे घर में पूरा पानी भर जाता है, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो जाए कोई जा नहीं पाता है, लगातार पानी बहता रहता है। यहाँ पे पूरी गली खराब हो गई, इतनी गंदगी, इतनी हाइजीनिक चीज कुछ भी नहीं यहाँ पे। पानी आप सुबह आओगे ना बिल्कुल पीला पानी मिलेगा आपको, ठीक है, यानी वो सुबह सुबह वाला जो हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह और शाम एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ खड़ा नहीं रह जाएगा आपसे, आते फिरते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक आदमी नहीं आया भाई साहब इसमें, इस पानी में ना एक आदमी नहीं आया। चलो सुबह शाम नहीं आ सकते, दिन में तो आ सकते, इस समय तो आप तो आ गए ना, आप भी सूज पहनो आ गए ना, एक आदमी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन विजिटेड हियर। बिल्कुल अनहाइजेनिक है, इससे 100 किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, और किसी को ध्यान नहीं है इस पे, किसी का ध्यान नहीं है। वोटिंग होती है ना, अगर इनमें से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हो, ठीक है, वो स्टाफिंग करके घर से ले जाएंगे बंदे को, और 2 मिनट में इनकी वोटर आईडी कार्ड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा वोटर जाया ना हो जाए, तो वहां उनकी पहुंच है, राइट, और यहां इनकी पहुंच नहीं है, ये दोगलापन है बिल्कुल। नहीं नहीं माता जी, कोई माता जी तुम्हारे साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे चैनल के माध्यम से, लगातार हमने पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हर उस एरिया के अंदर, हर उस क्षेत्र के अंदर, हर उन गलियों के अंदर में गए हैं जहाँ पर इस समय बरसात के माहौल के अंदर में जिस तरीके से गलियों का हाल है, या तो यूं कहूं कि सीवर की समस्या, दूसरा ओवरफ्लो की समस्या, जैसा कि आपने हमारी वीडियो में सुबह भी देखा और कल भी देखा, 86 नंबर वार्ड से हमने डॉक्टर शैली ओबराय जी को जो है अपनी वीडियो के माध्यम से उनको निवेदन किया। लेकिन आज इस समय हम लोग प्रेम नगर जो गली नंबर 2 पड़ता है, जो पटेल नगर थाने के पीछे वाला है, सामने गुरुद्वारे वाली गली है, इस गली में हम लोग आज खड़े हैं। और ये 86 नंबर वार्ड यानी कि डॉक्टर शैली ओबराय जो कि निगम पार्षद हैं यहाँ की, और वहीं पर दिल्ली आम आदमी पार्टी की महापौर हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि बलजीत नगर की तमाम जो समस्याएँ हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से जब हम लोग करके और दिखाएं, तो लोगों तक ये पहुंचाने की कृपा करें। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये समस्या आप देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ तकरीबन यहाँ पर 2 महीने से है सीवर की जो है, जो बरसाती पानी है वो भी यहाँ पे जा रहा है, प्लस उसके बाद में ये जो गली है ये ढलान पर गली है, लेकिन इसके आगे आप जाएंगे तो ऊपर बलजीत नगर का ये पूरा रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम, एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप ये जरा ये दिखाइए तस्वीर, ये सीवर तो बने हुए हैं लेकिन जो सीवर की लाइनें हैं वो पूरी एक तरीके से जाम है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हर जगह कहीं ना कहीं ये खुदा पड़ा हुआ है, सीवर की लाइनें पूरी जाम है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होकर के पानी जो है वो इसी रास्ते होकर के निकलता है। और यहीं पर एक बारी कैमरामैन से कहूँगा, बैक साइड में आप दिखाइएगा, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो कि लोग कहते हैं कि वहाँ पर सजदा करने लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो अगर इसी गंद की वजह से होते हुए और इसी गंद के ऊपर से अगर लोग जाएंगे, तो आप ये समझिए कि चाहे मंदिर जाइए, चाहे मस्जिद जाइए, चाहे गुरुद्वारे में जाइए, लेकिन जिस तरीके से लोग लोग जो है जब जाते हैं वहां पे गुरुद्वारे पे, तो किस तरीके से अंदर की गंदगी होगी, और कहां हम लोग अपने परमेश्वर को या इष्ट देवताओं को जो है मनाने जाते हैं, लेकिन वहीं पर
इन काउंसलरों को मनाने के लिए वीडियो बनाने की जरूरत पड़ जाती है सबसे पहली। अब जो सवाल अब जो उठता है कि आखिर में जो हमारी निगम पार्षद यहाँ की हैं, जो 86 नंबर वार्ड की हैं, वहीं पर वो दिल्ली की मेयर भी हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र के अंदर में, उन्हीं के जो क्षेत्र का इलाका है, इन गलियों का हाल देखिए, तमाम गलियों के अंदर में यही हाल है। चाहे एक नंबर में चले जाइए, चाहे प्रेमनगर की 2 नंबर 3 नंबर और तमाम बलजीत नगर, प्रेमनगर, नेहरू नगर में भी यही हाल चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ में बने हैं, मैं उन लोगों से एक बारी गुजारिश करूंगा कि ये लोग अपनी समस्याओं को बताएं ताकि इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द हल करी जाए। हमारे साथ में माता जी है, क्या नाम है माता जी आपका? अरुणा चौहान। आप इधर आ जाइए, सामने दिखा दीजिएगा। माता जी, ये समस्या जो आपके यहाँ की गली की बनी है, कब से बनी है? ये करीब करीब 1.5 से 2 महीने हो गए हैं इसी हाल के अंदर, 24 घंटे के अंदर 14 मिनट तक नहीं सूखती है। और हम सीवर वालों को बुला के लाते हैं, वो लोग आते हैं, अपनी डंडी हिलाते हैं, जरा बहुत करते हैं, पानी चालू करते हैं, फिर चले जाते हैं। तुरंत वो कमर मोड़ते हैं और तुरंत सीवर भर जाता है, लेकिन उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं। ना मलुआ निकालते वो लोग और ना ही वो लोग इस जो यहाँ पे कीचड़ है वो उसको इकट्ठा करते हैं। इधर अगर ढेरी लगा के चले जाते हैं तो बारिश का पानी या सीवर का पानी बहुत जोर से आता है और वो सारा बहके सीवर के अंदर भर जाता है। मैं डेली सीवर में भर जाता, मैं डेली, मेरा नाम अरुणा चौहान, मैं डेली के डेली राजकुमार जी के पास जाती हूँ और वहाँ से बंदों को लेके आती हूँ। राजकुमार जी जो है ये यहाँ के वो है, हाँ, सीवर वाले हैं। हाँ, सीवर वाले हैं सारे जो, ठीक है, एएसआई जो है, हाँ, एएसआई जो है, हाँ, उनके पास जाती हूँ और डेली के डेली मेरी एप्लीकेशन जाती है, लेकिन उस पे कोई गौर, वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं रही है, ये सीवर सारा जाम हो चुका है। अगर जाम हो चुका है तो उनको बताना चाहिए ना, आगे करना चाहिए। वो कहते हैं ऊपर जाइए, आप ऊपर जाके सीवर की लाइन बदलवाइए। आप सीवर की लाइन किससे जाके कहे ये कुछ नहीं बताते। आप तो विधायक भी नहीं, आप किससे बोलोगे? वही बात है, पहले गली बनवाई थी तभी मैंने बहुत भाग दौड़ करी थी, तब राजकुमार जी थे, मंत्री जो थे, लेकिन अब तो वो है नहीं, अब किसके पास जाए? हमें नहीं समझ आ रही समस्या का समाधान कैसे किया जाए। हमारे साथ में एक माता जी और जुड़ी हुई हैं, आपको बता दूं इनकी कुछ समय पहले जो है इसी गंदगी की वजह से, मच्छरों की वजह से, डेंगू की वजह से जो है इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। आप ये देख सकते हैं इस समय जो है इनके हाथ के ऊपर देख सकते हैं इनको, और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बारी हम लोग, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कब से ये दिक्कत? ये 2 महीने से मेरा टीका लग रहा है, 2 महीने से दोनों हाथ एकदम मार बेकार हो चुका है। ये पानी जो जा रहा है हमारे कमरे में जा रहा है, पूरे कमरे भरा हुआ है, आँख है, मेरे घर में पूरा किचन बाथरूम पूरा कमरा भरा हुआ है। मैं कहाँ सोऊं? मैं बाहर जाके सोऊं? पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दवाई कराऊं? 2 महीने से दवाई करा रही हूँ, 2 महीने से टीका लग रहा है मेरा, इतना परेशानी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे वो भी बीमार हैं। निगम पार्षद जी से क्या कहेंगे आप? मैं हमारा ये सड़क गली बनवा दे, पूरा सही हो जाए हमारा घर के, एक बार कहीं ना कहीं पूरा सीवर, हाँ, हाँ, पूरा व्यवस्था कर दें, पाइपलाइन चेंज कर, हाँ चेंज कर दें, ये जो समाधान है, हाँ, कुछ है ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बोलूँगी? ये सब कहेंगे माता जी? अब ये तू ही कर, मैं नहीं बोल पाऊँ, तू ही बोल। अरे यहाँ पर गली में इतनी समस्या है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, सारे जुराबे जूते गीले हो जाते हैं, बच्चे जा नहीं पाते, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। इतने कुछ कहने, लड़का गाड़ी लेके आया गिर गया, उसको इतनी दिक्कत हो गई, सारा सामान पलट गया क्योंकि इसको बनवा नहीं रहे हैं। 2 महीने से यही समस्या चल रही है, लेटरिन बाथरूम सारे घर में जा रहे हैं, कैसे रहेंगे यहाँ पर हम? बहुत दुर्लभ स्थिति, बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर कुछ भी। ये आप देख सकते हैं, ये सामने यहीं पे पानी की व्यवस्था भी जो है, पाइपलाइन भी जो है वो इसी के अंदर से जाती होगी, और लेकिन यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं सीवर के ऊपर में किस तरीके से गंद फैला हुआ है, एक बारी कैमरा मैन से कहूँगा सामने दिखाएं, और ये देखिए ये सीवर लाइन जो है पानी की, मैं एक बारी कैमरा मैन से कहूँगा आप आगे आइए, और ये आप देख सकते हैं इनका जो कमरा है, और ये जो घर है, ये जो घर के पास से मेड़ लगा रखे दीवार, इसकी ईंटों की लगा रखी है, वो सिर्फ इसीलिए है कि इनको दिक्कत ना हो। ये आगे दिखाइए, आप अंदर एक बारी कमरे में दिखा दो, ये सारा पानी अंदर चला जा रहा है भरने के बाद में, बारिश जैसी आती है। ये बाबूजी क्या क्या कहेंगे आप ऐसी व्यवस्थाओं को? कोई बात नहीं, माइक छोड़ दीजिए, बता दीजिए भैया। ऐसा है, ये सीवरेज ये सीवरेज ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या आधा काम करते हैं, आधा काम नहीं करते हैं, और ऐसे कैसे छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा, ये सीवरेज में से जो भी मटेरियल निकलता है उसको वहीं पे इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं, पानी आता है वापस वो सीवरेज में चला जाता है, गंदगी जितनी उतनी उसमें चली जाती है। और हर एक के घर के अंदर जब भी बरसात आती है थोड़ा पानी का फ्लो होता है हर एक के घर में, टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, और जिसका थोड़ा लेवल नीचे उसके किचन के अंदर भी ये गंदगी का पानी दूसरे घरों का जो आगे से आ रहा है वो सब घर के अंदर भर जाता है। उससे
हर घर में कोई भी घर ऐसा नहीं बचा आज की तारीख में जहाँ पे बच्चे या बूढ़ी और कोई ना कोई बंदा बीमार नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी बीमार हूँ पिछले 7-8 दिन से, और हम कई बार प्रयास करते हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं ये 2 खोल दिया, 3 बंद रखते हैं, 3 खोलते हैं, 2 बंद करते हैं, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त इस गली की। और जो बच्चे बूढ़े जो भी आते जाते हैं कोई ना कोई दिन में 2-4 बार तो गिरते गिरते हैं। ये समस्या अति विकराल रूप है। यहाँ खड़ा घर के बाहर खड़ा तो दूर की बात, घर के अंदर रहने का मन नहीं करता है, इतनी बदबू मारती है यह गली। अब हम कहाँ जाएँ कैसे जाएँ ये समझ में नहीं आता, और प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, चाहे वो महापौर है, चाहे यहाँ की पार्षद है, चाहे कोई भी है, और चाहे MLA, तो यहाँ सुना कि है ही नहीं। तो अब इसको कौन सुधारेगा, कैसे सुधारेगा, हमको समझ में नहीं आता। प्रशासन से और महापौर से जो भी है कोई यहाँ आके देखता नहीं है। छोटी मोटी कार्रवाई करने के लिए ऑफिस से लोग आते हैं, बाबू लोग आते हैं, अपना 2-5-10 मिनट 15 मिनट मुंह दिखा के वापस चले जाते हैं, और इसकी कोई व्यवस्था का कोई जवाबदारी जिम्मेवारी नहीं लेता है। बोलते हम करेंगे करेंगे, लेकिन होने जाने कुछ नहीं, डाके 3 पात। कहीं ना कहीं जो है समस्या है वो बोलने के बावजूद भी है वो बनी बनी की बनी रही है। माता जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे ना सीवर लाइन के साथ साथ हमारी पानी की लाइन गई हुई है, और पानी की लाइन के साथ साथ हमारे घरों के अंदर काला स्याह पानी आता है। उसकी जब कंप्लेंट कराई गई तो वो सड़क को खोद के चले गए, लेकिन उसका सलूशन कोई नहीं हुआ। इससे हमारे को दिक्कत हो गई है, गली जो थोड़ी बहुत ठीक थी वो भी टूट गई है, ना उसकी रिपेयर हुई है ना कुछ हुआ है। तो इसलिए ना पानी की समस्या का भी कोई समाधान हुआ है, पानी का भी कोई समस्या अगर स्थिति रही तो पानी तो वो सीवर का पानी, हाँ सीवर का पानी ही लाइन के अंदर जा रहा है। आप लोगों के पास में कोई ऐसी वीडियो है जिसका पानी आपका काला आता हो, बिल्कुल सीवर का पानी आता हो, ऐसा कोई वीडियो है किसी के पास? हाँ भाऊ जी बताइए, बोल दीजिए आप, बोल दीजिए। अरे साहब बात ऐसी है, जिस टाइम ये सीवर डालने लगे हमने कहा जी ये सीवर जाम हो जाएंगे, यहाँ 1.5 फुट का सीवर नहीं चलता, यहाँ 2 फुट का सीवर चलता है। वो कहते हैं बड़े अफसरों ने पैसे खा लिए, पैसे खा के ये छोटे सीवर सैंक्शन किए ताकि दोबारा फिर पैसे खाएं। 3-4 दफा ये सीवर डाल चुके हैं। ये कब कितने समय पहले बाबूजी, आपको तो पता होगा कितने समय पहले सीवर डाला है ये? हाँ जी दिवाली से 3-4 दिन पहले ही, इसी दिवाली से कुछ तो ये दिवाली पे मतलब ये 8 महीने ये निकाल लो और 3 महीने उधर निकाल लो, 11-12 महीने या 7 महीने जाओ जो सीवर डालने लगते हैं उसी टाइम छोटे सीवर डाल के आँख बंद करके चल देते हैं, उसके बाद नकम्मा मटेरियल लगा के लिपा पोती करके चल देते हैं। ये एक बारिश नहीं सही इसने सीवर जाम हो गए। अरे तुम्हें कहा था भाई बड़े सीवर डालो, बड़े सीवर डालो, लेकिन आप लोगों की बात नहीं सुनी और ये दोबारा ये हाल हो गया इनका। ये सीवर बड़े डालने चाहेंगे, सीवर बहुत छोटा है, यहाँ कम से कम 2 फुट का सीवर चाहिए, 2 फुट का सीवर चाहिए, 2.5 फुट का कम से कम डले तो जाके, या तो 2.5 या 2 फुट का। चलिए ठीक है भाव जी, क्या कहना? मैं बेरोजगार बैठा भाई साहब, दुकान बंद पड़ी है मेरी, जब से लाइन खोदी थी अब मैं कहाँ जाऊँ कमाना है, मेरी दुकान बंद पड़ी है 3 जब से सीवर लाइन डली है मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रशासन पर? मैं कहता हूँ इस प्रशासन के लिए कह रहा हूँ ये लाइन को जहाँ सुविधा अनुसार सही बनाओ और ताकि आगे मेरा काम चले। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस समय आप देख सकते हैं बच्चों को भी काफी परेशानी होती होगी, और स्कूल के बच्चे कुछ हमारे साथ में, हम लोग इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है बेटा? कनिष्का। कनिष्का आप स्कूल पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 11th। अब क्या कहोगे आपको अगर ऐसी अगर... हमारे घर में पूरा पानी भर जाता है, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो जाए कोई जा नहीं पाता, लगातार पानी बहता रहता है यहाँ पे, पूरी गली खराब हो गई, इतनी गंदगी, इतनी हाइजीनिक चीज कुछ भी नहीं यहाँ पे। हमारे घर में पानी भर जाता है, हर बारिश में हमारे घर में पानी भर जाता है, गटर से पानी आता है ओवरफ्लो के, गली से पानी जाता है हमारे गटर में, इतनी दिक्कत होती है हमें। पूरे घर में सारा सामान कपड़े लत्ते सब खराब हो जाता है, हमारा फ्रिज खराब हो गया, हमारा हर चीज वॉशिंग मशीन हमारा खराब हो गया है। तो ये गली भी बन नहीं रही है, बनने के बाद भी यही हाल रहता है इसका, अभी भी अभी बह रहा है, अभी जरा सी बारिश हुई है ये पानी बह रहा है, बारिश हो या ना हो पानी बहता ही रहता है यहाँ पे, बहता ही रहता है हमेशा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है जी, मैं तो यहाँ टीनेंट हूँ और जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ बिल्कुल सेम हालत है, और ये पानी बिल्कुल भर जाता है यहाँ तक, और पानी साफ हो तो अलग बात है, पानी आप सुबह आओगे ना बिल्कुल पीला पानी मिलेगा आपको, ठीक है, यानी वो सुबह सुबह वाला जो हिसाब, बिल्कुल बिल्कुल सुबह और शाम एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ खड़ा नहीं रह जाएगा आपसे, और जितने वहाँ से लेकर यहाँ तक लोग है ना इसमें सर्वाइव कर रहे हैं, नाक
आज अभी तक इतने दिन में ना कोई प्रशासनिक इस पे कार्यवाही हुई है, ना कोई मतलब किसी भी राजनेता को ले लो या कोई भी ले लो वोट मांगने, तो मैंने देखा है यहाँ पे वोटिंग को जब हुई है ना अभी ये 24 की, तो मैंने देखा, हालांकि मैं टेनेंट हूँ, मैंने वोट नहीं किया, तो मैंने एक चीज देखा है यहाँ पे कि कैसे लोग चाटते फिरते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक आदमी नहीं आया भाई साहब इस पानी में ना, एक आदमी नहीं आया। चलो सुबह शाम नहीं आ सकते, दिन में तो आ सकते, इस समय तो आप तो आ गए ना, आप भी सूझ पहनो आ गए ना, एक आदमी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन विजिटेड हियर। ये मतलब एक गंभीर जो समस्या है, आप समझ सकते हैं कि अगर राजनीता राज हाँ बात सिर्फ गंभीर पानी की नहीं है, बात है ये बिल्कुल अनहाइजेनिक है, इससे 100 किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, और किसी को ध्यान नहीं है इस पे, किसी का ध्यान नहीं है। ये क्या क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं मशीन आएगी? अब कहते हैं मशीन आएगी वो साफ करेगी, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आने को तैयार नहीं, हम सब जाए, कहते हैं अपने घर जाओ, मशीन आएगी तो साफ होगा, हमारे बस का नहीं। अच्छा एक बात बताइए बाबूजी, आप भी इतने उम्र दराज हैं, और आप ये समझिए कि आप इस गली के अंदर में क्या मशीन लग सकती है, आप खुद समझ मशीन तो आती है, लेकिन मशीन लाएगा कौन यहाँ कोई इंटरेस्ट लेता है। 40 फुट की जगह पे ये लोग मशीन तो लगा नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे 3 साल से समस्या बनी पड़ी हुई है, समझिए कि आप यहाँ पे कैसे लगाएंगे। एक दफा हमने देखा यहाँ मशीन आ गई थी, सड़क बनने से पहले मशीन की सफाई हुई थी, उसके बाद मैंने मेरी हर एप्लीकेशन अंदर जा रहा है कि आप हमारे को मशीन प्रोवाइड कराएं, और मेरे को पता चला कि वहाँ से कि हम ये काम नहीं करा सकते, आप ऊपर जाके बात करिए। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने लिखित में भी दिया कि आप मशीन प्रोवाइड कराइए और इसकी सफाई कराइए। आज मैं वहाँ कह के आई राजकुमार जी को कि आप बड़ी मशीन मंगाइए, बाहर रोड पर खड़े होंगे, बड़े पाइप से सारे सीवर खाली हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, ठीक है। बड़े मैं बता दूं बस की बात, जब वोटिंग होती है ना, अगर इनमें से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हो, ठीक है, वो स्टाफिंग करके घर से ले जाएंगे बंदे को, और 2 मिनट में इनकी वोटर आईडी कार्ड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा वोटर जाया ना हो जाए, तो वहाँ उनकी पहुँच है, राइट, और यहाँ इनकी पहुँच नहीं है। ये दोगलापन है, बिल्कुल ये बिल्कुल दोगलापन है। और इन लोगों को मैं तो यहाँ टीनेंट हूँ, मैं अगेन नई बात बोलूंगा, यहाँ मेरी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, कार्रवाई करें। ये लोग जरूर यहाँ रास्ता जाम कर सकते हैं, 2 दिन रास्ता जाम कर, मैं खड़ा रहूंगा साथ में, मैंने लॉ की पढ़ाई करी रखी है, मुझे आइडिया है क्या करना है नहीं करना है। लोग खड़ा तो हो पहले, यहाँ तो सीन ये है कि लोग स्कूटी पकड़ के साइड से चले जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है, पर कोई बोलता नहीं है कुछ, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। अगर अब आप देख लो ना कितना वहां से लेकर यहाँ तक घर है, खड़े कितने लोग हैं देख लो आप, जबकि 3-4 तो एक ही घर के हैं। अगर 4-4 मंजिल में से अगर 5-5 बंदे, 2-2 एक एक बंदे उतर जाए, एक एक बंदे 300 लोग हो जाएंगे, 300 लोग, लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं। ये सबसे बड़ी एक यूं कहूं कि समस्या है कि लोग निकल करके बोलना नहीं चाहते हैं। जिस दिन लोगों ने अपने हक को जाना और लोग बोलना जान जाएंगे, तो शायद इनका काम जो है वो 24 घंटे के अंदर में तत्काल प्रभाव से काम कर दिया जाएगा, क्योंकि 300 लोगों की ताकत जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, लेकिन लोगों को अपनी बात समझनी पड़ेगी। गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल। ये देखो कैसे पानी बहता है यहाँ पे बिना बारिश। ये मैं एक बारी कैमरामैन से आपसे कहूंगा, जरा आप ये देखिए, जरा इनकी वीडियो जरा लीजिएगा, दिखाइए ये सामने, आप देखो ऐसा लगता है जैसे समंदर हो। ये देखो, देखो ये पानी की जो देख सकते हैं आप, किस तरीके से बच्चा स्कूल नहीं जा पाए, कोई मरीज कहीं नहीं जा पाए, कोई बीमार हो जाए कोई नहीं जा पाए, ज्यादा बह रहा, और ये हमारे घर की हालत है, ये देखो क्या हो जाता ये है, पाइप वगैरह सब लगा के पानी निकालना पड़ रहा है, घर के अंदर तक पानी चला, कैसे पानी अंदर तक, सारा सामान खराब हो जाता है, वॉशिंग मशीन हमारा खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया है, ये सारी समस्या बनी। एक बारी हमारे साथ में कुछ बहन जी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करूंगा, इनके घर में भी जो आप सामने देख सकते हैं, भले ही इनका बड़ा चबूतरा जो है वो बना हुआ है, लेकिन इनकी समस्या जो है वो इस गली के साथ साथ इनके साथ में भी समस्या बनी हुई है। कहाँ चले गए आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजू है। मंजू जी क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के अपने? सर हम कह रहे हैं ये बजट ना हमें दे दो, हम अपने आप गली वाले मिलकर गली बना लेंगे। अगर आप यहाँ देखो, ये हमारे सीवर से पानी नहीं बह रहा, ये देखो बिल्कुल नहीं बह रहा है, ये पानी आता है पीछे से, और 6 महीने हुए हैं गली बने हुए, सिर्फ 6 महीने, 6 महीनों में ये हाल है तो आगे क्या होगा। हमें घर, हमारा घर देखने में इतना ऊंचा है, पहले नीचे था, सारा पानी अंदर तक जाता था, हार के हमें ऊंचा करना पड़ा, अब 2-3 सीढ़ी नीचे चली गई, बिल्कुल, तो अब दोबारा कौन घर बनाएगा? गवर्नमेंट देगी यहाँ के पैसे? ये आप देख सकते हैं यहाँ की भी, एक बारी कैमरा मैन से कहूंगा, एक बारी जरा समस्या दिखाएगा, चारों इधर गाड़ियां तो खड़ी हैं दोनों तरफ में, लेकिन ये जो समस्याएं जो हैं लोगों को आने जाने की, अगर लोगों के घर के अंदर में मान लीजिए अगर कल को कोई शादी ब्याह पड़ता है या कोई त्यौहार पड़ता है, तो क्या लोग इसी तरीके से क्या यहाँ पे आते जाते रहेंगे? इन लोगों की कोई भी
कोई भी समस्या जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के आला अधिकारी हों, अगर उन तक ये समस्या पहुंचती है तो मैं उनसे अपनी वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर पहुँचें। दो नंबर गली जो कि प्रेम नगर पटेल नगर थाने के बिल्कुल ठीक पीछे वाली गली है, गुरुद्वारे वाली गली है, जिसको गुरुद्वारे वाली गली बोलते हैं, इसी गली के अंदर में गुरुद्वारा है। लेकिन आप ये समझिए कि उस गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से जा करके सजदा करें। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जी अगर आप देखोगे ना वहाँ तक, अभी तो बिल्कुल खाली है गली, ये तो 100 में से 1% पानी नहीं है, हम कहेंगे 100 में से 1% भी नहीं, अभी बहेगा, 2 बूंद पानी बहेगा ऊपर से, और देखना ये आधी टांगे डूब जाती हैं और लोगों के घरों में पानी चला जाता है, सीवर का पानी, गंदगी जितनी भी है सब अंदर। हमारे भैया बाहर से आए हुए हैं, 1 महीना हुआ उनका आए हुए, और 1 महीने से वो बीमार पड़े हैं। क्यों? ये 1.5 महीने से ये बह रहा है और रेगुलर बह रहा है, बारिश आए चाहे नहीं आए। मतलब कोई आया हुआ है? आज उनकी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, हमें कैंसिल करानी पड़ी, अंदर लेटे हुए, अगर आप देखो तो देख लो, उनको फीवर भी है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, सब कुछ लगा हुआ है वो गंदगी की वजह से, क्योंकि पीने के पानी में गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गली में तो बह ही रहा है, बिल्कुल दिक्कत आएगी, हाँ पानी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, तो उनको वो प्रॉब्लम हो गई है, वो क्या करें बताओ, फ्लाइट कैंसिल तक करानी पड़ गई है, कैंसिल करानी, 1:30 बजे उनकी फ्लाइट। सर आप एक लॉ कर रहे हैं और मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगा और लोगों को भी मैं ये पहुंचाना चाहूंगा, अगर ऐसी व्यवस्थाएं अगर ये दिल्ली सरकार अगर करते, क्या इनके खिलाफ में भी किसी तरीके का कानून एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल लेना चाहिए, और ये जनता को लेना चाहिए, जनता को ही लेना चाहिए, और कोई ले भी नहीं सकता इसमें, जनता को ही खुलकर सामने आना। जनता को किस तरीके से, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ सकते हैं, जो लोग समझते हैं, या जनता वो जो अपने अधिकार को जानती है, और अगर नहीं जानती है तो आज वो जान ले। जी बिल्कुल जानना चाहिए, पहली चीज तो ये कि सरकार को साफ पानी, सड़क, ये बेसिक चीज होती है, यहाँ पे क्या है, पानी हम देंगे, अधिकार है, अधिकार है, सुबह शाम पानी आता है, ठीक है, पानी कैसा आता है आप बिल्कुल, मैं न्योता देता हूँ आपको कि आप कभी भी आकर चेक कर लीजिएगा पानी, इससे भी गंदा पानी, इससे भी, आप जब हम जब नलका खोलते हैं ना, इतनी गंदी बदबू आती है ना साहब बाल्टी से, आप खड़ा नहीं रह सकते वहाँ पे, इस लेवल का गंदी पानी आती है, लगता है कि गली में सीवर बह रहा है या हमारे किचन में सीवर बह रहा है, आप किसी दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब ये समझ लो गली का पानी जो है हमारे नलके में होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बताइए, अब कितनी सारी समस्याएं हैं जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को एक्शन लेना है तो इस तरीके से भी आप लोग एक्शन ले सकते हैं, और वहां पर खड़े होकर के हर सवालों का अपने जवाब ले सकते हैं, और वो जवाब देंगे, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आरटीआई लगा करके आप लोग अपनी बातों को समझ सकते हैं, अपनी बातों को जान सकते हैं कि आपका मूलभूत अधिकार क्या क्या है। अगर जिनको पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है, वो अपना जा करके करा लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्लम कॉलोनी है जो कि मैं यूं कहूं कि बलजीत नगर वाली जो है, इसके अंदर में कई लोग हैं जो निकल करके नहीं आना चाहते, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि वो लोग निकले और अपने अधिकार को मांगने के लिए आप सड़क पर उतरे, ताकि इन लोगों को, मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर में भी कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वीडियो जो है वो जाए तो लोगों को भड़काने का एक आरोप भी लग सकता है, लग सकता है कि नहीं लग सकता? भड़काने में और जागरूक करने में अंतर होता है सर। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने खुद नहीं बोल रहा हूं, मैं इनको बता रहा हूं, जागरूक करने के लिए जिस तरीके से हमने वीडियो बनाया, लेकिन वही दूसरा मतलब भी निकाल करके वो लोग मेरे ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं, हालांकि इससे पहले भी उन लोगों ने लिया है, मैं फिर भी नहीं डरा, लेकिन काम मैं उसी तरीके से करता रहूंगा, लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप इनका समस्याओं का जो समाधान बन सके उसको जल्द से जल्द निवारण कराया जाए। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे मैम शैली ओबराय जी? सर शैली ओबराय जी एक दिन भी यहाँ नहीं आई है, शायद वो जीतने के बाद वो आए हैं, एक बार आए हैं जिस दिन ये, वो भी 1.5 साल बाद हमारी गली की ये बनी है, सड़क बनी है, और 1.5 साल बाद जब बनी है, जो गंदगी थी, जो सीवर में गंदगी जानी थी सब चली गई, उसके बाद जब इनको दोबारा बोलेगा भी ये सीवर दोबारा डालो क्योंकि इनमें गंदगी चली गई, किसी ने नहीं सुनी, जो सीवर साफ करने आते, अब ये दिखा दो अपने कैमरा में, ये पड़ा हुआ सारा गंद जो ये यही पड़ा है, उनको बोला था ये उठाकर ले जाओ, ये बह जाएगा, कह रहे ये भारी है ये हम नहीं उठाएंगे, मतलब भारी लग रहा था उनको, भारी है ये, इसका पानी निचुड़ जाएगा, हम तब उठाएंगे, और ये यही है, और ये देख लो बारिश के अंदर तो ये सारा आगे बह करके चला जाएगा, अरे सारा पीछे से और बह के आ गया, सारे ब्लॉक हो गए हैं, देख लीजिए बिल्कुल ब्लॉक हो गया, फिर वही हाल हो गया हुआ है, और उनको काम है रोज 5-6 चक्कर लगाना, ये तो सिर्फ सीवर है, हमें झाड़ू लगाने के लिए भी उनको बोल के आना पड़ता है, हमारी गली में सुबह के 11 बज गए झाड़ू नहीं लगा है, उसके लिए भी उनको बोल के आना, हमारे पास जी वर्कर्स नहीं है, वो पटेल नगर गए हैं, यहाँ गए, कोई नहीं सुनता है, चलिए एप्लीकेशन देके आओ, तब भी वो यही बोलते हैं, आप उनको बोलो, उधर वाला बोलता है उसको बोलो, वो बोलता है उसको बोलो, तो पढ़ा लिखा होना, जागरूक होना, वो जीरो कर देते हैं वहां जाकर, बिल्कुल जीरो कर देते, बिल्कुल घुमा फिरा करके जीरो बना देते हैं। चलिए मैं यहीं पे इन लोगों की जो समस्या है लगातार आप लोगों को दिखाता रहूंगा,
मैं बनाता रहूंगा यहाँ से, मैं पूरी वीडियो एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ से एक बारी जूम करके आप ले लें, एक बारी वो जूम करके ले लें, बाकी मैं समस्या को जो है वो डालता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग जागरूक होइए, ताकि आप लोगों को भी अपना जो समाधान है उसको निकालने के लिए नेताओं से, इन प्रशासन से किस तरीके से आप लोगों को सवाल करना है और किस तरीके से आप लोगों को अपना काम करवाना है। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा जरा सामने दिखाएं जरा इधर, ये सारे रिपोर्ट जेली के पास ले जाओ या कोई और अधिकारी है उसके पास ले जाओ, ताकि उसके कानों पे जूं सड़के। बलजीत नगर के लोग कैसे रहते हैं? सबसे बड़ी बात अंकल जी ने बिल्कुल कह दी कि बलजीत नगर के लोग किस तरीके से रहते हैं। अपना जब वोट मांगने का टाइम होता है तो इनके हाथ भी जोड़ते हैं और पैर भी पकड़ते हैं, उसके बाद में जिस दिन ये अपने काम के लिए उनके पास में जाते हैं तो वो नेता अपने पैर पकड़वा लेते हैं। ये सबसे बड़ी एक समस्या बनी हुई है कि लोगों को पैर नहीं पकड़ना है, उनको हाथ नहीं जोड़ना है, बल्कि उनको जुड़वा करके अपना काम करवाना है कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। ये अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि उन नेताओं के लिए कि जिस तरीके से नेता लोग आकर के अपने कॉलोनियों के अंदर में किस तरीके से जनता के साथ व्यवहार है उनका, अब ये साफ और सामने दिख रहा है। वहीं पर दिल्ली की जो सरकार है जो लगातार 10 सालों से बनी हुई है, फिर अगला जो है वो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अगर इसी तरीके से अगर ये समस्याएं अगर बनी रहेगी तो शायद आम आदमी पार्टी का जो है इस समय, मैं यूं कहूं कि लोगों ने जिस तरीके से बहिष्कार करना चालू किया है और आम आदमी पार्टी की जो सरकारें जो यहां पर 10 साल से 11 साल से बनी हुई थी, लेकिन जब से ये निगम पार्षद में भी आ गई है उसके बाद से यहां पर रोडों के ऊपर में टट्टी पेशाब का पानी जो है वो लगातार बह रहा है और लगातार बहेगा। और वहीं पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, उन लोगों को भी मैं जागरूक करना चाहूंगा और आम आदमी पार्टी से और उन लोगों से भी कहूंगा जहां पर आम आदमी पार्टी अब नई सरकार बनाने की दूसरे राज्यों में कोशिश कर रही है, मैं उन लोगों से भी कहूंगा अगर ये मेरी वीडियो पंजाब हरियाणा तक अगर ये पहुंचती है, यूपी और बिहार तक पहुंचती है, तो मैं उन लोगों से भी कहूंगा अगर दिल्ली जैसी अगर आपको व्यवस्था लेनी है, दिल्ली जैसी आपको व्यवस्था अगर लेनी है और इसी तरीके की व्यवस्था लेनी है तो ही आम आदमी पार्टी को चुनिएगा, अन्यथा अपने वोटों का अधिकार आप लोग मांगने के लिए तैयार रहिएगा। ये पानी चालू हो, ये आप देख सकते हैं आगे से जो है वो पानी अब किस तरीके का आ रहा है। आप ये समझिए कि अगर यही पानी इन लोगों के पीने वाले पानी के अंदर में मिल करके आएगा तो आप ये समझिए कि किस तरीके से इन लोगों की जो पीने की व्यवस्था, जो पानी, जो सरकार जो लगातार ये कहती है, वादे करती है कि हम आपको शुद्ध पानी देंगे, साफ पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, क्या यही वो स्वच्छ पानी दे रही है? ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि लाइन जो यहाँ से पानी की जो चलती है वो भी यहीं से चलती हो करके निकलती है पानी, और इनके अगर सीवर अगर ओवरफ्लो करता है या कहीं नाल अगर जो पाइप है वो अगर टूटा मिलता है तो इन लोगों के घर में जो पीने का पानी के अंदर में जो मिक्स हो करके सीवर का पानी जाएगा तो आप ये समझिए कि इनके जीवन के ऊपर में जो है वो एक बन रहा होगा। हमारे कैमरामैन साहब वो चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो छलांग मारने की जरूरत पड़ रही है, पानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बन चुका है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि डर तो देखिए सभी को लगता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा अपनी दिल्ली सरकार को भी कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर के जो यहाँ के अधिकारी हैं उस चीज़ को आप लोग समझें कि हमें क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ की व्यवस्था है और हम लोग किस तरीके से यहाँ से निकल के जा रहे हैं। शायद हमारे कैमरे की जो स्क्रीन है उसके आप लोगों को पता लग रहा होगा किस तरीके से हम लोग निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक बारी दिखाइए, यहाँ पे खड़ा होना भी दुश्वार है और लोगों ने जो है लाखों रुपए लगा करके अपना घर तो बना लिया लेकिन घर के आंगन जो है वो दिल्ली सरकार ने जो है वो डुबा दिया है, या यूं कहूं कि गंगा सागर। ये देखिए, ये दिखाइए, ये कैमरामैन साहब से कहूंगा, ये मलबा देखिए, ये सीवर तो साफ करके चले गए होंगे, मलबा बाहर निकाल दिया इन्होंने, लेकिन ये जो मलबा जो है वो नहीं है। आप ये देखिए, अब ये ऊपर के मकान है ना, और ये देखिए, अब ये ऊपर तक का ये पूरा मकान के जो पानी है वो सारे जो है ढलान की तरफ से होते हुए बाहर होता हुआ जो है वो निकल के आ रहा है। एक बारी मैं कैमरामैन साहब से कहूंगा, ये जरा आप अंदर आ जाएं, ये दिखा दीजिए, ये सब 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 जो है ये फुल भरा हुआ है, ओवरफ्लो होकर के बाहर से निकल रहा है। लेकिन आप ये बताइए जिस तरीके का ये कलर निकल रहा है पानी का, कैमरे में साफ दिख रहा है कलर, और ये देखिए ये जो मलबा निकाला गया है सारा, अच्छा माता जी, ये जो सारा मलबा निकाला गया है ये सीवर में से निकाल करके साइड में निकाल कर दिया, साइड कर दिया इन्होंने, इसको उठाने वाला कोई नहीं है। नहीं, मैं रोज कंप्लेंट करके आती डेली राजकुमार जी को, कोई उठाने वाला नहीं है। चलिए अब कोशिश करेंगे हम अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों की जो है ये पूरी गली की जो समस्या है वो समाधान इसका निकाला जाए।
और ये देख सकते हैं, ये इधर भी देख सकते हैं आप, इधर के इधर का भी पूरा मलबा जो है वो पूरा भरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या है कि ढलान है और यहाँ का पानी जो है वो पूरा गली के अंदर में जिस तरीके से आप देख सकते हैं फैल रहा है, ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप देखिए कि क्या स्थिति बनी पड़ी हुई है। आप ये समझिए कि लोग किस तरीके से जीने पर मजबूर हैं, लाचार हैं लोग कि हम जिए तो जिए कैसे, और जब वोट लेने का टाइम होता है तो लगातार ये वादे भी होते रहते हैं कि हम लोग जो है आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गई, सड़क हो गया, सीवर हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, ये जो मूलभूत जो सारी सुविधाएं हैं ये सारी सरकारों की जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ एक उनके वोट के अधिकार से, क्योंकि अगर इनका वोट है तो शायद इनके पास में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वोट लेना जानते हैं लेकिन अधिकार देना शायद नहीं जानते हैं। यही हमारे राजनेताओं के अंदर, या यूं कहूं हमारी जिस तरीके से गंदी राजनीति हमारे दिल्ली के अंदर में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो खेली जा रही है, शायद इसी का खामियाजा जो है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से झीलों का शहर बना दिया गया, गलियों को झीलों का जो गलियां बना दी गई, झीलों की गलियां बना दी गई, ये सभी यहां के विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे वो काउंसलर हों, ये सब इन्हीं का किया धरा है कि आखिर में वो सिर्फ वोट तो लेते हैं, गलियों में आकर के हाथ तो जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और माता जी आप हमारा ध्यान रखना, हम उनका फूलों से स्वागत तो करते हैं लेकिन उनके पास में जाने के बाद जिस दिन हम उनके लिए जब हम उनसे बात करते हैं कि मैडम हमारे गली में ये समस्या है या हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, तो शायद आपकी बातों पर वो गौर नहीं करते, ना ही वो ये समझते हैं कि हमने जिस तरीके से इनके गली में जब गए थे, जब उनको उन्होंने मालाओं से स्वागत किया, लेकिन उस माला का भी स्वागत का या उनको पैर पकड़ने का या हाथ जोड़ने का भी जरा सा भी उन लोगों को ये नहीं रहता कि इन लोगों ने हमारे साथ में, जनता ने जिस ओहदे तक हमें बैठाया है आज हम उसी जनता को नीचे एकदम गिरा दिया है। ये सबसे बड़ा एक सवाल होगा कि आखिर में ऐसी जड़ती हुई जो राजनीति है, गंदी राजनीति जिस तरीके से खेली जा रही है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, तमाम वीडियो ऐसी वायरल जिसके अंदर में लगातार आप लोगों को दिल्ली की हम लोग लगातार जो समस्या है वो लगातार दिखाते हुए आए हैं चैनल के ऊपर में कि आप लोग इस चीजों को समझें और अपनी व्यवस्थाओं को जो है उसको सही कराने के लिए मांग करें।